हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे आपके टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का पार्ट नंबर सेकंड। यानी कि इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर देखिए, क्योंकि यहां पर मैं ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताया कि टाइम एंड वर्क टॉपिक जो है आपकी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बैंक, SSC, रेलवे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहां से आपको मिनिमम एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए टाइप नंबर 6 से। यहां पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने टाइप 5 तक क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लिया है, तो चलिए देखिए। यहां पर पहला क्वेश्चन टाइप 6 का बोला गया है कि 40 व्यक्ति 60 पेड़ काटने में 8 घंटे लेते हैं, तो 32 व्यक्ति 72 पेड़ काटने में कुल कितना समय लेंगे, ये आपको यहां पर ज्ञात करना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं। तो देखिए, यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था, मजदूर कार्य और ये क्या हो जाएगा आपका दिवस। तो बोला क्या गया है दोस्तों कि 40 व्यक्ति 60 पेड़ काटने में, तो देखिए मजदूर की जगह आपका क्या हो जाएगा कि 40 व्यक्ति काम कितना हो जाएगा आपका 60 पेड़ काटने में, कितने दिन लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं, दिन हो, घंटे हो, समय हो, कुछ भी हो, तो यहां पर आपको लिखना है कितने घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे। तो 32 व्यक्ति, तो देखिए फ्रेंड्स, बोला क्या है कि 32 व्यक्ति 72 पेड़ काटने में कितने घंटे लेंगे या कितना समय लेंगे, तो यहां पर आप एक्स मान लीजिए। अब इतना लिखने के बाद आपको सोल्व किस तरीके से करना है, देखिए यहां पर आपको इस तरीके से सोल्व करना है, मल्टीप्लाई आपको करना है 32 60 और कितना हो जाएगा x, तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 32 60 इंटू कितना हो जाएगा x बराबर। इसी प्रकार से आपको यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40 × 72 × कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8। तो बस यहां से आप इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 6 32, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 बार, और ये हो जाएगा 0 से आपका 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 बार, यानी कि x बराबर आपकी कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 12 यानी कि 12, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एकदम सही आंसर हो जाएगा। 32 व्यक्ति 72 पेड़ काटने में आपका कुल समय लेंगे यहाँ पर 12 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर टाइप के हम यहाँ पर दो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बोला क्या है कि 10 व्यक्ति 2/3 काम को करने में 20 दिन लेते हैं, तो 20 व्यक्ति शेष काम, देखिए दोस्तों यहां पर आपको शेष वर्क बोला गया है कि शेष काम करने में कितना समय लेंगे, तो करने का आपका तरीका यहां पर क्या होगा, सिंपल सा म का दी आपको याद रखना है, म का, और ये क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ये हो जाएगा दी। तो बोला है कि 10 व्यक्ति, तो लिख लीजिए 10 व्यक्ति, काम क्या है आपका 2/3 दिन काम है, समय कितना ले रहे हैं 20 दिन, तो 20 व्यक्ति शेष काम, देखिए 20 व्यक्ति अब शेष काम, तो सबसे पहले आपको यहां पर शेष वर्क यहां पर निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिए शेष वर्क, शेष काम आपको निकालने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि टोटल आपका वर्क क्या होता है फ्रेंड्स, टोटल वर्क आपका हमेशा 1 होता है, ये तो आपको पता है। तो टोटल वर्क 1 होता है, 1 में से अगर आपने 2/3 काम कर लिया है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 − 2/3, ये क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ये आ जाएगा आपका शेष काम, यानी रिमेनिंग वर्क आपका निकल के आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 − 2, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1/3। या फिर एक तरीका आपका ये होता है कि आपको पता है कि 2/3 काम हो चुका है, तो टोटल वर्क है आपका 3, जिसमें से 2 काम हो चुका है, तो इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए कितना हो जाएगा 1/3 आपका रिमेनिंग वर्क हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1/3, और कितने दिन में करेगा तो आप मान लीजिए एक्स। करने का आपका तरीका देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 इंटू कितना हो जाएगा 2/3 इंटू आपका हो जाएगा एक्स बराबर, ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/3 इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 20। बस इसको आप यहाँ पर सोल्व कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 से आपका 20 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो x बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा आपका 5 डेज। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो रिमेनिंग यानी शेष वर्क करने में आपको कितना समय लगेगा, तो 20 दिन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं कि कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में समाप्त करते हैं। यहाँ पर कितने व्यक्ति है ये नहीं पता, लेकिन आपको बोला है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में समाप्त करते हैं, यदि 8 व्यक्ति और आ जाए तो काम 10 दिन पहले समाप्त
हो जाता है। देखिए 10 दिन पहले बोला है, ये नहीं बोला है कि 10 दिन में समाप्त हो जाता है। बोला क्या है कि प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे। करने का तरीका आपका सिंपल सा, आपको मकाति याद रखना है यहाँ पर, है ना, म का, और क्या हो जाएगा आपका ये दी हो जाएगा। तो बोला क्या है कुछ व्यक्ति, तो कुछ व्यक्ति आप एक्स मान लीजिए, एक्स व्यक्ति एक काम को करने में, तो काम आपका 1 हो जाएगा, 60 दिन लगते हैं ना। तो बोला है कि यदि 8 व्यक्ति और आ जाए, तो देखिए फ्रेंड्स पहले एक्स व्यक्ति थे यानी कुछ व्यक्ति थे, अगर 8 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 8 हो जाएगा। काम को जो है 10 दिन पहले समाप्त कर लेते, तो पहले आपको अगर 60 दिन लग रहे थे तो अब कितने लगेंगे आपको, 50 दिन। तो बोला है प्रारंभ में कुल व्यक्ति कितने थे, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू यहां पर निकालनी है। करने का तरीका आपका सेम, मैंने जैसा कि आपको बताया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 8 इंटू कितना हो जाएगा आपका 50, बराबर इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 60 इंटू एक्स। तो देखिए यहां पर आप सोल्व कर लीजिए, 10 से आपका 10 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 5 और 40, बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 6x। तो देखिए इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6x में से 5x माइनस करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 40। तो प्रारंभ में आपके पास कितने व्यक्ति थे फ्रेंड्स, तो 40, और अगर पूछता है कि बाद में कितने व्यक्ति हो गए तो कितना हो जाएगा, 48, क्योंकि एक्स की वैल्यू आप 40 रखोगे तो 40 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 48। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रारंभ में आपके टोटल व्यक्ति थे वो थे आपके 40। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को करने में 10 दिन लेते हैं, 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाए। देखिए यहां पर बोला गया है कि 5 व्यक्ति जो है इस बार काम छोड़कर जा रहे हैं, तो काम समाप्त होने में 12 दिन लगते हैं, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो करने का आपका तरीका सेम होने वाला है, यहाँ पर आपको करना है म, ये हो जाएगा आपका क, और ये हो जाएगा आपका दी। सिंपल सा बोला है कुछ व्यक्ति यानी कि एक्स व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, टोटल वर्क आपका 10 होता है, टोटल वर्क आपका 1 होता है, तो बीच में आपका 1 हो जाएगा, और दिन कितने लगते हैं, 10। यदि 5 व्यक्ति चले जाए, पहले आपके एक्स व्यक्ति थे, अब अगर 5 चले जाएंगे तो कितना हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे एक्स माइनस 5। उसी काम यानी वर्क आपका 1 ही, अभी भी 12 दिन लगते हैं, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12। सिंपल सा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है, तो एक्स इंटू कितना हो जाएगा 10, बराबर ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12। बस तो सोल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पर आपका बच जाएगा 5, यहाँ पर बच जाएगा आपका 6, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5 6 30। देखिए इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 30। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर, आपका सही आंसर हो जाएगा कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे तो 30, और बाद में कितने हो गए, बाद में आपके माइनस 5 व्यक्ति चले गए, तो 25 व्यक्ति यहाँ पर हो गए, जिससे आपको काम करने की जो दिन थे वो बढ़ गए, कितने दिन बढ़ गए, 2 दिन, 10 पहले 10 दिन में समाप्त हो रहा था, और अब कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 12 दिन में। चलिए टाइप नंबर 8 में बोला है कि 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर 8 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में आपको इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को अधिकतर मिलते हैं। इस क्वेश्चन को भी करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको केवल एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड यानी कम समय में सोल्व कर सकते हो। करने का आपका तरीका यहाँ पर एटलीस्ट सेम होने वाला है। बोला क्या है कि 2 आदमी तथा 3 लड़के, तो देखिए 2 आदमी तो 2m प्लस बोला क्या है 3 लड़के, यानी कितना हो जाएगा, लड़के को हम b से डिनोट कर लेते हैं, 3 बॉयज, कितने दिन में काम समाप्त कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये कर रहे हैं आपके 10 डेज में। आगे बोला है कि जबकि 3 आदमी, देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं 3m प्लस, ये कितना हो जाएगा आपका 2b, कितने दिन में समाप्त करेंगे फ्रेंड्स, ये करेंगे आपके 8 दिन में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि 2 आदमी और 1 लड़का, तो यहाँ पर आपको पता है कि 2m प्लस 1b बराबर कितने दिन में करेंगे, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। तो देखिए इतना आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है और ये आपसे
पूछ लिया गया है। तो करने का आपका तरीका क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए समझिएगा, यहाँ पर सिंपल सा तरीका, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मुझे इतना समय लग रहा है, अदरवाइज मुझे खुद से करना होता तो यहाँ पर मैं सिंपल जल्दी से कर देता। तो आपको क्या करना है कि 10 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करना है। तो 10 का मल्टीप्लाई 2m में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20m, और 10 का मल्टीप्लाई 3b में करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 30b। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही करना है, नीचे भी 8 का मल्टीप्लाई 3m में करेंगे तो कितना हो जाएगा, R3 24 यानी 24m, और 8 का मल्टीप्लाई 2b में करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका R3 16b। बस सिंपल सा तरीका, देखिए यहाँ पर आदमी में से आदमी को घटाना है तो 20m - 24m माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा आपका 4m। इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 30b में से 16b माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 14b यानी 14b आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये आपके लिए क्या हो गए, चार आदमी बराबर आपके हो गए 14 लड़के, तो इनको आप कैंसिल कर लिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2m बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 7b। यानी सिंपल सा फंडा यहाँ पर ये है कि दो आदमी बराबर आपके 7 लड़के होने वाले हैं, इतना आपको यहाँ पर समझ में आया। अब देखिए आपसे पूछा क्या है कि 2m + 1b बराबर कितने दिन में करेंगे, तो या तो आप आदमी को लड़के में चेंज कर लीजिए या फिर लड़कों को जो है वो आदमी में चेंज कर लीजिए, जिससे कि आपकी सेम यूनिट यहाँ पर बन जाए। तो देखिए हम यहाँ पर, हमें पता है कि 2m की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 7b के बराबर। तो आप यहाँ पर क्या करिए कि आदमी जो है उनको लड़कों में चेंज कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि 2m है तो 2m की जगह आप 7b रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2m की जगह अगर आप 7b रखोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 7b + 3b यानी कि मजदूर कार्य, और ये हो जाएगा आपका दिवस। तो बोला क्या है देखिए, 7b + 3b कितना हो जाएगा आपका, ये बोला है कि 10 बॉयज किसी काम को कितने दिन में करते हैं फ्रेंड्स, एक काम को 10 दिन में करते हैं। तो बोला क्या है यहाँ पर 2m, तो 2m की जगह यहाँ पर हम वापस से 7b रख देंगे क्योंकि 2m बराबर 7b है। तो देखिए 7b + 1b तो कितना हो जाएगा आपका, 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो x मान लीजिए। देखिए यहाँ पर आपकी इक्वेशन जब चुकी, बस यहाँ से आपको करने का तरीका मैंने बताया है क्या करना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका 8b * x बराबर, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 10b * क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 10। तो 10b, b से भी आपका कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 की टेबल से 5 टाइम, 2 की टेबल से 4 टाइम, उसी प्रकार के 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम ये हो जाएगा आपका 5 टाइम। देखिए 25/2, तो यहाँ पर आपका x बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 25/2, 25/2 यानी कि आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 12.5 दिन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 12 सही 1/2 डे। तो किसी भी तरीके से आपको ऑप्शन दिया हो तो आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। तो एकदम सिंपल सा तरीका फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इसलिए मुझे समय लग रहा है, अदरवाइज मुझे खुद से करना होता तो यहाँ पर मैं जल्दी से मल्टीप्लाई करना है बस आपको, और वैल्यू चेंज करके पुट करके आंसर यहाँ पर निकाल लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेम टाइप का है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 4 आदमी और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 लड़के मिलकर उसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो 10 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, तरीका आपका करने का सेम होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4m + बोला क्या है 6b किसी काम को कितने दिन में करते हैं फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका 8 दिन में, जबकि 3 आदमी तो 3m + ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 7b कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपके 10 दिन में। तो बोला क्या है आपको कि 10 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस बार आपको यहाँ पर केवल 10b की वैल्यू क्या करना है। तो करने का आपका तरीका जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 का। देखिए 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32m हो जाएगा। उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 48b हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 30m, और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 70b। बस यहाँ पर आपको इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो देखिए 32 में से 30 जाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2m बराबर। उसी प्रकार से देखिए 48 में से अगर आपके 70 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, 70, क्योंकि देखिए 70 में से आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा आपका 70 में से, देखिए 10 में से 8 जाएंगे तो ये आपके बच जाएंगे 2, उसके बाद 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 2, यानी कितना हो जाएगा 22b। बस तो एक आदमी बराबर आपका कितना वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स, 1m बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 11b के।
तो देखिए, या तो आप इस वाली इक्वेशन को चेंज कर लीजिए या फिर आप इस इक्वेशन को चेंज कर लीजिए, दोनों से ही आपका आंसर यहाँ पर निकल के आएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक आदमी बराबर 11 लड़के हैं, तो अगर मैं इधर मल्टीप्लाई 4 कर देता हूँ और अगर इधर भी मल्टीप्लाई 4 कर देता हूँ, तो 4 आदमी बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 44 लड़के के बराबर। इतना आपको समझ में आया। तो देखिए, 4m की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, कितनी हो गई 44b, तो यहाँ पर लिख लीजिए 44b। तो देखिए 44b प्लस 6b, तो यहाँ पर आपका सिंपल सा फंडा क्या हो जाएगा, मजदूर कार्य और दिवस। तो 44b और 6b कितना हो जाएगा, 50 लड़के एक काम को करने में 8 दिन लेते हैं, तो बोला क्या है कि 10 लड़के, तो यहाँ पर आप लग दीजिए 10 लड़के उसी काम को करने में x दिन लेंगे। ठीक है, करने का आपका तरीका यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10b × 1 × x बराबर, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 50b × 8। तो देखिए, 1 0 से आपकी 1 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका x बराबर आपका, और b से आपका b कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका 8 × 5 = 40, यानी कितने दिन में समाप्त करेंगे फ्रेंड्स, 40 दिन में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए, यहाँ पर टाइप नंबर 9। तो देखिए टाइप नंबर 9 आपका ये एकदम चेंज है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको यह दिया हुआ था और यह का मतलब होता है आपका और बराबर आपका यहाँ पर होता है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3 आदमी या 4 लड़के मिलकर किसी काम को 43 दिन में समाप्त करते हैं, तो 7 आदमी तथा 5 लड़के मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए यहां पर आपको बोला है कि 3m, या का मतलब होता है बराबर, कितने बोला है 4 लड़के, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 4b, किसी काम को करने में कितने दिन लेते हैं फ्रेंड्स, ये लेते हैं आपके 43 डेज लेते हैं। तो बोला क्या है यहां पर कि 7 आदमी तथा, देखिए तथा का मतलब प्लस होता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि 7 आदमी प्लस कितना हो जाएगा 5 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये आपको यहां पर ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चंस को करने के भी आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर यह है कि आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं, जिससे कि आप एग्जाम में बिथिना सेकंड को क्वेश्चंस को सोल्व कर ले। तो यहाँ पर आपको जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो आपको क्या करना है कि उल्टा लिख लेना है। तो देखिए उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7/3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 7/3 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/4। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि 43 डेज में करते हैं टोटल काम, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपका, एक दिन का काम हो जाएगा 1/43, तो 1/43, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है आपको 1/43, बस इसको आपको सोल्व कर लेना है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो देखिए सबसे पहले आप ये सोल्व करोगे, कोष्टक सोल्व करोगे, उसके बाद यहाँ पर 1/43 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 × कितना हो जाएगा आपका 1/43। तो देखिए इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 28 और 15 कितना हो जाएगा 43, तो 43 से आपका 43 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/12, यानी एक दिन का काम 1/12, तो पूरा काम समाप्त तो होने में कितना समय लगेगा फ्रेंड्स, ये लगेंगे आपको 12 दिन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस है ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सेम टाइप का अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1 आदमी या 2 लड़के या 3 महिला किसी काम को करने में 44 दिन यानी 44 डेज लेते हैं, तो 1 आदमी 1 लड़का 1 महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये आपसे बोला गया है। तो करने का आपका तरीका यहाँ पर सेम होना चाहिए, कि यहाँ पर भी यह वाली कंडीशन लगी हुई है ना, तो सेम तरीके से करना है। बोला क्या है 1m = 2b = कितना हो जाएगा आपका 3, महिला मतलब फीमेल किसी काम को कितने दिन में करते हैं फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 44 डेज में। तो बोला क्या है यहाँ पर कि 1 आदमी + 1 लड़का + 1 महिला कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपका करने का तरीका यहाँ पर सेम होने वाला है, आपको क्या करना है यहाँ पर उल्टा लिख लेना है। तो देखिए 1/1 यानी यहाँ पर तो कितना हो जाएगा आपका 1/1 प्लस 1/1 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 1/3, और कितने दिन में करते हैं 44 डेज में, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपका 1/44,
यही तरीका आपका एकदम सिंपल सा तरीका जिसमें आप विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट या यहाँ पर यूज करोगे तो आपका जो है समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आप बहुत ज्यादा समय लेकर सोल्व करोगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम 1 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 6। 1 से डिवाइड करेंगे 6, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना होगा 6, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो कितना हो जाएगा 3, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा 1/44। देखिए 6 और 3 कितना होगा 9, 9 और 2 11, 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो 1/6 × 4, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा आपका 1/24। एक दिन का काम 1/24, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, यहाँ पर 24 डेज में आपका जो है टोटल काम समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम टाइप वाइज क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर ये सेकंड है। दोस्तों यहाँ पर मैं और भी पार्ट लेकर आता रहूंगा, और दोस्तों टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन जो है बनते हैं इस टॉपिक से, उन सभी टाइप के क्वेश्चन के हम दो दो क्वेश्चन जो है हर पार्ट में यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।